हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। माइक्रोवेव की जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने अटेन्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और अटेन्यूशन कांस्टेंट को डिस्कस किया था। अब अटेन्यूशन की जहां पर हम बात करते हैं तो उससे एक टर्म और रिलेट करता है वेवगाइड में, जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। वैसे तो हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा अटेन्यूशन होगा उतना ही कम क्वालिटी फैक्टर होगा। तो अगर हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करें तो क्वालिटी फैक्टर होगा कि पावर लॉस जो हो रही है वो तो अटेन्यूशन को डिफाइन करता है, लेकिन आपकी वेव में अगर अटेन्यूशन नहीं हो तो वो कितना क्वालिटी का पावर है वो ट्रांसमिट करता है। तो एक प्रकार से पावर ट्रांसमिशन की जो हम क्वालिटी चेक करेंगे वो क्वालिटी फैक्टर द्वारा दी जाएगी। तो किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वालिटी फैक्टर है वो कैसे डिफाइन होगा उसकी बात करते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वेवगाइड का, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेवगाइड इज डिफाइंड एज, इसको लिखते हैं Q से डिनोट किया जाता है, और Q आपका क्वालिटी फैक्टर है, इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा इनटू पावर स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ अपॉन में पावर लॉस पर यूनिट लेंथ। तो कहने का मतलब ओमेगा फ्रीक्वेंसी की अगर आपके पास कोई माइक्रोवेव ट्रेवल कर रही है तो उसमें यूनिट पावर लॉस पर यूनिट लेंथ में कितना पावर स्टोर हो रहा है वेवगाइड के अंदर, वो क्या बोला जाता है, क्वालिटी फैक्टर बोला जाता है। वेयर ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, आपके पास ओमेगा ये है। तो हम बात करें कि ट्रांसमिटेड पावर पर यूनिट लेंथ से हम पावर स्टोर निकालेंगे, वी नो दैट ट्रांसमिटेड एनर्जी या पावर दोनों निकाल सकते हो, यहां पे भी एनर्जी भी हो सकती है दोनों जगह पे, ट्रांसमिटेड एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाई, देखिए पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसमिटेड एनर्जी या पावर आ रही थी ई ट्रांसमिटेड, उसको पावर को भी वीजी से लिखा था, वीजी इनटू होती है ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ में, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। अगर हम यहां पे पी की बात करें, पी ट्रांसमिटेड की बात करें तो वीजी इनटू पावर स्टोर, देखो वहां पे हमने पी ट्रांसमिटेड जो निकाला था पीछे उसमें लिखा था वीजी इनटू रियल पार्ट ऑफ वी नोट आई नोट। अगर इस सिर्फ इतने की बात करें तो ये तो थी आपके पास पावर स्टोर्ड, और स्टोर्ड पावर को आप ग्रुप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ग्रुप वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल कर रही है, तो वो पावर है वो इसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। कहने का मतलब ये तो स्टोर्ड पावर है वेवगाइड के अंदर और ये पावर इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो ये कौन सी बन जाती है, ट्रांसमिटेड पावर बन जाती है। तो इसी तरीके से आप एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो, तो एनर्जी आपके पास क्या हो गई, ई ट्रांसमिटेड इक्वल टू वीजी इनटू एनर्जी स्टोर्ड, तो मैं इसको ई स्टोर्ड लिख देता हूं, ठीक है। यहां से ई स्टोर्ड क्या आ गया आपके पास, ई ट्रांसमिटेड ओवर वीजी, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड आ गया, इसका मतलब एनर्जी के आ गया, तो आप पावर भी निकाल रहे हो, सिमिलरली पावर निकाल सकते हैं आप, तो पावर कैसे निकलेगी आपके पास, पावर स्टोर्ड, ये इक्वेशन नंबर इसको वन दे दो, पावर स्टोर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही एनर्जी की जगह पावर कर दीजिए अपॉन में वीजी, ग्रुप वेलोसिटी। आप देखो इक्वेशन वन में आपको क्या चाहिए थी, ऊपर पावर स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ आ गया आपके पास, पावर लॉस को आप पीएल से लिखते हो, चलिए ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो इक्वेशन वन टू से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम वैल्यू रखें तो ओमेगा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इनटू पावर स्टोर्ड, ये रही वैल्यू कितनी है पावर स्टोर्ड की, पी ट्रांसमिटेड अपॉन में वीजी, ओके, और अपॉन में क्या है, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, इसको क्या लिखते हैं, पी एल, ओके। अभी आपको पता है अटेन्यूशन कॉन्स्टेंट को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अटेन्यूशन कॉन्स्टेंट एल्फा इक्वल टू क्या आया था आपके पास,
पी एल ओवर टू पी ट्रांस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अल्फा की वैल्यू। तो हम अल्फा के टर्म में अगर क्वालिटी फैक्टर को निकालें, वैसे तो क्वालिटी फैक्टर पावर के टर्म में ये आ गया आपके पास इक्वेशन थ्री, लेकिन अगर आप निकालना चाहे अल्फा को किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में क्वालिटी फैक्टर को, दोनों का आपस में रिलेशन डिस्कस करें तब की बात हम करें तो क्या हो जाएगा, आपने अल्फा को डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो वो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा आपके पास क्वालिटी फैक्टर में जब अल्फा की वैल्यू आप रखेंगे, यहां से अल्फा ये आया है, आपको चाहिए क्या यहां पे पी ट्रांसमिटेड ओवर पी एल चाहिए, तो यहां से निकाल लो पी ट्रांसमिटेड ओवर पावर लॉस, तो क्या हो जाएगा ये इधर क्या हो जाएगा वन ओवर टू अल्फा, यहां से वैल्यू ये आ गई वन ओवर टू अल्फा, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया आपके पास ओमेगा ओवर वी जी, तो एज इट इज ये क्या हो गया वन ओवर टू अल्फा। अब आपको पता है ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप कई जगह पढ़ चुके हो, वी जी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा ओवर बीटा जी, ठीक है, तो वी जी अपॉन ओमेगा, या यहां से क्या निकालोगे आप ओमेगा ओवर वी जी क्या आ जाएगा इधर आएगा, तो ये बीटा जी हो जाएगा, भाई बीटा जी निकाल लिया आपने तो ये क्या हो गया यहां पर क्या लिख देंगे ये लिख देंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया बीटा जी ओवर टू एल्फा, यहां से इक्वेशन नंबर फोर, ये आपके पास क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन आ गया किसके साथ अटेन्यूएशन कांस्टेंट के साथ। तो क्यू को आप क्या लिख सकते हैं वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं अल्फा के, तो क्या हो जाएगा यहां से देखो रिलेशन क्या आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लिखेंगे हेंस क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अटेन्यूएशन कांस्टेंट ऑफ वेवगाइड, अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वेवगाइड, तो वेवगाइड का जो क्वालिटी फैक्टर है वो उसके अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो दोनों एक दूसरे को इनवर्सली रिलेशन के साथ जोड़ते हैं, तो कहने का मतलब जितना अल्फा ग्रेटर देन होगा उतना ही क्वालिटी फैक्टर कम होगा, कहने का मतलब ये होगा जितना ज्यादा पावर लॉस होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम, और जितना कम पावर लॉस होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये तो बात हो गई क्वालिटी फैक्टर की जो कि अल्फा से किस तरीके से रिलेट करता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखो अटेन्यूएशन जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें तीन रीजन पड़े थे, तो वहां पर मैं ये बात कर रहा हूं अगर डाइइलेक्ट्रिक के लिए हम बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक की जब बात करते हैं तो आ जाइए अगला टॉपिक हम डिस्कस करें तो वो क्या है आपके पास, अगर सिर्फ आप ये डिस्कस करें कि जो मीडियम है वो परफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक या लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता है प्रैक्टिकली, तो उस मीडियम के कारण कितना लॉस हो सकता है पावर का, तो अल्फा की कितनी वैल्यू आ सकती है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है सॉरी अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट डिस्कस करना है आपको, अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक लॉस, ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, और इसमें क्वेश्चन क्या दे दिया, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट, derive an expression of attenuation constant due to dielectric loss in rectangular waveguide, तो हम rectangular waveguide के अंदर dielectric loss के कारण propagation को attenuation constant discuss करने वाले हैं यहां पे। तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन की या टॉपिक की हम बात करें, आप परमिटिविटी को लिखते हो एप्साइलोन, अगर एप्साइलोन परफेक्टली डाइइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो आपको इस एप्साइलोन को लिखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में, देखना कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखोगे एप्साइलोन को एप्साइलोन वन माइनस आयोटा सिग्मा ओवर रूट ओमेगा एप्साइलोन, देखना यह क्या है, अगर आपके पास परफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक हो या लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक हो, परफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक या लॉसलेस डाइइलेक्ट्रिक का मतलब डाइइलेक्ट्रिक की जो कंडक्टिविटी है वो कितनी होगी
जीरो। डाइलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी कितनी होगी? जीरो। तो ये अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो तो देखो आपके पास कितना आएगा, इसकी जगह जीरो रखो तो ये दोनों बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। कहने का मतलब अगर आपका मीडियम परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है तब तो ये दोनों बराबर है, मतलब एप्साइलोन को आप इस टर्म में लिख सकते हो। अगर उसके अंदर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब सिग्मा का कोई ना कोई कंपोनेंट छोटा बहुत थोड़ा बहुत उसमें है, इसका मतलब ये रहा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी जरूर है। तो सिग्मा एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें डाइलेक्ट्रिक लॉस में अटेन्यूएशन कांस्टेंट को डिस्कस करने के लिए परमिटिविटी को क्या लिखना पड़ेगा, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस मे बी ऑब्टेन व्हेन परमिटिविटी इज टू बी टेकन कॉम्प्लेक्स। क्यों ली है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा तो सिग्मा जीरो, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मतलब उसमें कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपके पास वही आ जाएगी जो पीछे परमिटिविटी थी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कंपोनेंट उसमें सिग्मा का एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कंडक्टिविटी एकदम माइनर भी है, तो भी आपको इसको डिस्कस करना पड़ेगा। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम बात करें द प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट को आप कैसे लिखेंगे। प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है? गामा जी इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब हम डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए दोनों तरफ डी लगा रहे हैं, ठीक है। तो एल्फा डी का मतलब है अटेन्यूएशन कांस्टेंट ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, तो अल्फा डी को मतलब समझ गए सभी। अभी हम बात करें तो गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा जी या गामा क्या होता है, चलो मैं इसको सिर्फ गामा लिख देता हूं, गामा जी ही है। गामा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, के सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्साइलोन होता है। ये तो कब था, जब ये आपके पास परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक था तब। अगर ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो आप इस एप्साइलोन की जगह क्या लिखेंगे, एप्साइलोन स्टार। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर वन से तो क्या हो जाएगा, के सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू तो एज इट इज, और एप्साइलोन की वैल्यू रखें एप्साइलोन स्टार की, तो एप्साइलोन बाहर, वन माइनस आयोटा सिग्मा ओवर ओमेगा एप्साइलोन। सोल्व करें आप इसको तो गामा क्या आ जाएगा, देखिए के सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्साइलोन माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर यहां से देखो, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक ओमेगा कट गया तो ओमेगा ऊपर बचा, एक एप्साइलोन कट गया तो ओमेगा म्यू सिग्मा नीचे वाला कट ही गया और क्या आया आयोटा। ये लीजिए ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। इसको हमने इतना सोल्व कर लिया, तो देखिए लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ कॉमन ले, जैसे मैं ये इससे बाहर ले लूं ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का टर्म इसमें से बाहर ले तो गामा इक्वल टू क्या हो गया, मैंने बाहर ले लिया यहां से, माइनस के साथ को बाहर ले रहा हूं, माइनस के साथ बाहर लेने का मतलब रूट माइनस वन को जब मैं बाहर लूंगा तो उसको आयोटा लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ओमेगा, और म्यू एप्साइलोन बाहर आएगा तो रूट म्यू एप्साइलोन। तो माइनस के साथ लिया है तो यहां पे तो प्लस का वन बच गया, ठीक है, यहां पे माइनस आ गया और क्या हो गया के सी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्साइलोन, ठीक है। यहां पे देखिए माइनस कॉमन लिया तो माइनस तो आपको लिखना पड़ेगा आयोटा, ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन में क्या जो कॉमन लिया है वो लिख दीजिए, तो यहां से गामा क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा ओमेगा रूट म्यू एप्साइलोन वन माइनस के सी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्साइलोन। यहां पे देखो कुछ कट रहा है उसको काट दो, एक तो म्यू कट रहा है एक ओमेगा कट रहा है, तो क्या आ गया माइनस आयोटा सिग्मा ओवर ओमेगा एप्साइलोन, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हम, ये हो गया आपके पास फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड दे दिया इसको। अब मैं इसमें जो टर्म है उनको अलग अलग सोल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं इस टर्म को सोल्व कर रहा हूं यहां पे, सिंस चलो मैं ऊपर कर देता हूं इसको सोल्व, तो देखिए
इसको आप लिख रहे हैं सिंस केसी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। केसी क्या होता है आपके पास, केसी क्या होता है कट ऑफ वेव नंबर, और कट ऑफ वेव नंबर को क्या लिखते हैं आप, टू पाई ओवर लेमडा सी लिखते हैं, तो उसका होल स्क्वायर केसी स्क्वायर हो गया अपॉन में वन ओवर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं आप टू पाई एफ का होल स्क्वायर और म्यू एप्सिलॉन एज इट इज। तो केसी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर पाई स्क्वायर अपॉन में लेमडा सी स्क्वायर, ये भी क्या हो गया फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ये फोर पाई से फोर पाई कट गया, अभी वन ओवर म्यू एप्सिलॉन को अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं, वन ओवर म्यू एप्सिलॉन क्या होता है सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया लेमडा सी स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, लेमडा की होती है नहीं होती है, या फिर आप इसकी बात कर लो सी स्क्वायर ओवर लेमडा सी स्क्वायर। तो देखो आपके पास भी आपके पास क्या होता है सी इक्वल टू क्या होता है लेमडा ओवर टी या लेमडा इंटू एफ। तो यहां से अगर आप लेमडा सी एफ सी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को कट ऑफ ले लिया आपने, तो लेमडा सी को अगर कैलकुलेट करो तो लेमडा सी क्या हो गया आपके पास सी ओवर एफ सी। तो वन ओवर लेमडा सी को आपने क्या लिखा एफ सी ओवर सी। तो देखिए आपके पास क्या हो गया, एफ की बात करें आप, अच्छा एफ की बात कर रहे हैं ना, लेमडा सी तो आ गया, तो लेमडा सी की वैल्यू ही आ गई आपके पास एफ सी ओवर सी। तो यहां पे रखो तो क्या आ जाएगा आपके पास के सी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये आपके पास आ गया के सी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू सी स्क्वायर एज इट इज अपॉन में एफ स्क्वायर एज इट इज वन ओवर लेमडा सी का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर कर दो तो एफ सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो के सी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन को आपने क्या लिख दिया एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर। ये वैल्यू तीन में पुट कर दो तो गामा क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन वन माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर माइनस आयोटा सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन। रख दिया हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो देखें क्या आएगा आपके पास, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं आयोटा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन और बाहर मैं एक कॉमन ले रहा हूं वन माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर और इसकी वन बाई टू पावर मैंने कॉमन ले लिया बाहर निकाल लिया इसको, तो इसकी जगह तो वन बच गया माइनस इसकी जगह क्या बच गया आयोटा सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन, जब इसका भाग दिया है तो क्या बचा है वन माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर और उसकी पावर वन बाई टू, ठीक है सॉरी स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, और इस कंप्लीट की पावर कितनी है वन बाई टू है आपके पास भाई, जब ये कॉमन लिया है तो इसका भाग चला गया नीचे और कंप्लीट की पावर वन बाई टू। अब आपको पता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की जब आप बात करते हैं तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ये जो सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन है वो बहुत कम होता है किससे वन माइनस एफ सी ओवर एफ के होल स्क्वायर से, मतलब इसकी वैल्यू इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है। तो कहने का मतलब मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकता हूं देन फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, तो ये बाइनोमियल थ्योरम की अगर कंडीशन को जब सेटिस्फाई करता है तो बाइनोमियल लगा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल रिजल्ट से आपके पास, अगर हम इनको चेक करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये था आपके पास गामा इक्वल टू आयोटा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन, ये बार वाली वैल्यू एज इट इज वन माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर और उसकी पावर वन बाई टू, अंदर क्या बचेगा देखो बाइनोमियल लगाते ही ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा वन माइनस आयोटा सिग्मा ओवर टू ओमेगा एप्सिलॉन वन माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर, ये आपने इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दिया। भाई बाइनोमियल क्या होता है वन प्लस एक्स की पावर एन होता है तो उसको आप वन प्लस एन एक्स और आगे के टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास गामा इक्वल टू आयोटा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन, इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब, तो यहां पे तो क्या बचा वन माइनस एफ सी और एफ का होल स्क्वायर वन बाई टू, वन से मल्टीप्लाई हो गया इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो ये प्लस हो गया ओमेगा सिग्मा
रूट म्यू एप्साइलोन अपॉन में टू ओमेगा एप्साइलोन, ये देखो इसकी पावर, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये अपॉन में है, ऊपर पावर वन बाई टू, नीचे वन, तो नीचे कितनी बच गई पावर आपके पास वन माइनस एफ सी और एफ का होल स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी बच गई आपके पास वन बाई टू। ठीक है, यहां से देखो एक तो ओमेगा कट गया तो क्या आ गया आपके पास गामा इक्वल टू आयोटा ओमेगा, पहले मैं ये बिना आयोटा वाला टर्म लिख देता हूं, ये क्या हो गया सिग्मा एप्साइलोन, ऊपर देखो हाफ पावर है नीचे ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये लीजिए, और ये यहां पे मैं अगर लिखूं तो सिग्मा ओवर वन माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर और उसकी पावर वन बाई टू। अब ये प्लस आयोटा ओमेगा रूट म्यू एप्साइलोन वन माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर और उसकी पावर वन बाई टू। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ गया। आप अपना इक्वेशन नंबर वन देखें, इक्वेशन नंबर वन क्या था आपके पास, सॉरी इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन टू और इसको मान लीजिए फोर, ये लीजिए आपके पास ये इक्वेशन नंबर फोर है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड फोर, देखिए टू क्या था आपके पास, ये था गामा इक्वल टू था एल्फा डी प्लस आयोटा बीटा डी, और ये फोर है, दोनों की कंपेयर करो, आयोटा वाला टर्म कौन सा, ये तो, ये तो आयोटा अगर दोनों में हटा दोगे तो बीटा डी की वैल्यू ये आ गई आपके पास आयोटा को हटा के, एल्फा डी बिना आयोटा वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है बिना आयोटा वाला टर्म। ठीक है, बिना आयोटा वाला टर्म है उसको आपने क्या रख दिया, ये आपके पास बिना आयोटा वाला टर्म है, तो क्या आ गया आपके पास देन एल्फा डी इक्वल टू रूट म्यू एप्साइलोन, इस रूट म्यू एप्साइलोन को आप नीटा भी लिखते हो याद हो तो, इनटू सिग्मा अपॉन में वन माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर और उसकी पावर वन बाई टू। तो आपके पास ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट आ गया यहां पे, किसके लिए, किसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट आ गया, डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण, सॉरी अटेन्यूएशन कांस्टेंट आ गया, तो ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण आपके पास अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है। तो अगर आपके डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट नहीं है तो आपके पास ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक टू भी था ना यहाँ पे, ये टू नहीं लिखा आपने, ये लीजिए टू, और सिग्मा था क्या, चलो सिग्मा है तो ये लीजिए टू आएगा नीटा बाई टू, यहाँ पे टू और था वो भी हमने लिख दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया एल्फा डी की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब अगर आपका डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा जिसको हम अटेन्यूएशन से डिफाइन करेंगे और उस अटेन्यूएशन की वैल्यू ये आपके पास आएगी। ओके, चलिए बाकी हम इसके बाद जो आपके पास दो चीजें और डिस्कस करेंगे, एक तो कंडक्टर लॉस के लिए भी बच गया आपके पास, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए हम कंडक्टर लॉस की वजह से जो अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इन क्लासेज का आनंद उठाएं।